फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के अंतर्गत केल्विन साइकिल का यह पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम केल्विन साइकिल के इंट्रोडक्शन, उसके स्टेप्स, उसके एंजाइम्स बारे में पढ़ेंगे करते हैं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग को एकदम सटीक से ध्यान देना होता है। एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूं आपको कि एक केल्विन साइकिल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है एयर, स्टोमेटा के थ्रू मिलता है। असिमिलेटरी पावर है एटीपी एनएडीपीएच, जो कि लाइट रिएक्शन से मिलता है। और सेकेंड जो है इसका स्टेप, वो है कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, एक स्ट्रोमा और एक थैलेकोइड ग्रेना। सूरज की रोशनी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्ट किया, उसने एटीपी एनएडीपीएच और ऑक्सीजन बनाया। ये एटीपी और एनएडीपीएच को हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। यह किसके कुकिंग में काम कर रहा है? डार्क रिएक्शन कुकिंग में काम कर रहा है, जो स्ट्रोमा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये लिया और स्टार्च बनाया। अब इस पूरे मुद्दे में एक एक स्टेप को समझना, उसके बारीकी को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ केल्विन साइकिल ही नहीं बल्कि हम कहते हैं कि ये मैकेनिज्म भी इसका पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम मिला जुला अगर एक बात तो कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन को पूरी तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अब अगर देखें, अगर एक डार्क रिएक्शन का हम इक्वेशन डेवलप करें, केल्विन साइकिल की ही बातें कर रहे हैं हम लोग, तो अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन को देखने में बड़ा ही एक अच्छा सा अनुभव होगा कि 6 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ये एयर से लिया गया है स्टोमेटा के थ्रू। और अब इसको कुक करने के लिए हाइड्रोजन भी चाहिए, तो हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? तो हाइड्रोजन डोनर होता है NADPH। तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH+ 12 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन। वैसे नहीं भी लिखेंगे 12 तो अंडरस्टूड है कि दोनों साथ में रहता है, लेकिन लिख दिए। तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन भी हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में इसको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा भी कितना चाहिए? 18 ATP, ये भी चाहिए। अब मिला जुला कर ये जो दोनों चीज है, इन दोनों को हम सब लोग कहते हैं सिमिलेटरी पावर। अगर ये ना रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा ग्लूकोज का प्रोडक्शन, C6H12O6। अब देखो, 6 कार्बन है, यूज हो गया, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 यानी एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 12 दुनी 24 हाइड्रोजन है। सो हमारे पास 24 हाइड्रोजन है जिसमें सबने 12 यहां यूज कर लिया, 12 हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ, मतलब 12 हाइड्रोजन बचा हुआ। ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन हमने 6 यूज किया है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 मतलब मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है, प्लस। अब 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी यहां से निकलता है, ये बाय प्रोडक्ट है। तो 12 हाइड्रोजन बचा हुआ था, 6 दुनी 12 खर्चा हो गया पूरा, 6 ऑक्सीजन भी हो गया, खर्चा हो गया पूरा, मतलब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, प्लस। अब जब NADPH से दोनों हाइड्रोजन निकल गया तो बचा 12 मॉलिक्यूल NADP प्लस। एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो 18 मॉलिक्यूल एडीपी प्लस 18 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मिला। ये जो है ना, ये इसका प्रोडक्ट है, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड दिस इज प्रोडक्ट, बट दिस इज नॉट एंड प्रोडक्ट, एंड दिस इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस इज द बाय प्रोडक्ट जो सेल को वापस मिल जाता है, बाय प्रोडक्ट। और व्हाट अबाउट ये NADPH और ये, इन दोनों का क्या है भाई? इन दोनों का कहते हैं, ये दोनों जो हैं अपने साइकिल में इंटर कर जाते हैं, इंटर इंटर इन साइकिल फॉर द लाइट रिएक्शन। ये फिर लाइट रिएक्शन के लिए साइकिल में अपना यूज हो जाते हैं। अर्थात कहने की बात है कि प्रोडक्ट जो है हमारे एक ही है, ग्लूकोज,
वाटर जो है बाय प्रोडक्ट है, और बाकी सब जो है जो फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया हुआ था, ये सब फिर से लाइट रिएक्शन में यूज होंगे, फिर से ये ऐसे असिमिलेटरी पावर बनाएंगे, फिर खर्च होंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर से लोड होंगे, फिर से बनाएंगे, इस प्रकार से ये काम करते रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक हमारा इक्वेशन का क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अब अगले विषय पर जब आते हैं तो वो होता है कि कैल्विन साइकिल की जो बात होती है, बहुत ऑनर है भाई, कैल्विन साइकिल वैज्ञानिक के नाम से दिया हुआ है, मेल्विन कैल्विन। तो कैल्विन साइकिल में दो लोग थे, एक तो एम कैल्विन थे, मेल्विन कैल्विन, एंड इनके साथ थे बेंसन। ठीक है, ये दोनों थे 1965 से, मतलब बहुत ही पुराने जमाने का है, और काफी ऑनर मिला, नोबेल मिला, सब कुछ मिला, जितने भी ऑर्डर होते हैं वो इन्होंने किया। इन्होंने बताया था फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, और इसलिए उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म को ही डिस्कस कर दिया गया। जिस टॉप को, जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया था उन्होंने, वो था ऑटो रेडियो ग्राफी, अर्थात आइसोट्रोप्स को उपयोग करते हुए इस काम को किया गया था। केल्विन साइकिल, वन केल्विन साइकिल फिक्स वन कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड का खर्च होता है, देयरफॉर सिक्स, अब नंबर लिख देते हैं, सिक्स सिक्स कैल्विन साइकिल टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार कैल्विन साइकिल को चलना होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। अर्थात एक मॉलिक्यूल कैल्विन, एक कैल्विन साइकिल से एक ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, तो 6 कैल्विन साइकिल चाहिए ताकि 6 कार्बन, मतलब ये हो सके, फिक्स हो सके। बड़ा महत्वपूर्ण विषय ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, 6 बार उसको बदलेंगे। इस प्रक्रिया में एक जटिलता है लेकिन सरलता भी है। कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, मान लो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। इसमें एक में 3 कार्बन होता है, और फिर इससे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज, और इससे 6 कार्बन होते हैं। अर्थात यहां जो 6 कार्बन है उसको पहले 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था, इस प्रकार से ये कार्बन एंट्री करता है। अब इस काम के लिए इनको सपोर्ट में क्या चाहिए? हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन कहाँ से डोनेट होता है? वी ऑल नो, ये हाइड्रोजन डोनेट होता है एसिमिलेटरी पावर से, इनका नाम है एनएडीपीएच। बड़ा एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हमारा, कोई झंझट कोई झमेला नहीं। तो पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट को बुलाते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कोई अगर आपसे पूछता है या हमसे पूछता है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में क्या स्टेबल प्रोडक्ट है, बोलते कुछ भी स्टेबल प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन है जो रिलीज हो जाना है, एटीपी एनएडीपीएच है जो यूज हो जाना है, तो कोई ऐसा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। बट केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, न्यूट्रल पीएच पर फॉस्फोग्लिसरेट।
सर दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सिरम, ठीक है। बट पीजी इज नॉट अ सुगर, बट ग्लूकोज इज सुगर, सो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, ये पहला कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है। फिर ये क्रम आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि ये क्रम आगे नहीं बढ़ता है, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें तो फिर ये सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एंड में ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रॉमिस, तीर को ऐसे घुमा दो, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और सुक्रोज जो है उसके बारे में कहते हैं ट्रांस लोकेटरी प्रोडक्ट, अर्थात ये जो है ना, ये प्रोडक्ट जहां मान लो प्लांट कहां बन रहा है, यदि लीफ की बात करें तो लीफ पे बन रहा है, ये लीफ है, बट लीफ के माध्यम से ये बना, यहां पर ग्लूकोज बना, फिर ये सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ और ये सुक्रोज जो है वो जड़ में भी जा रहा है, वो दूसरे ब्रांचेस में भी जा रहा है, वो सब जगह मूव कर रहा है, ऊपर नीचे सब जगह, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेटरी प्रोडक्ट। यानी स्टार्च जो है स्टोरेज है, ये जो है वो स्टोरेज है, इसलिए स्टोरेज को हम लोग क्या कहते हैं, एंड प्रोडक्ट, कि भाई यही जगह है जहां पर रुक गया है। अब स्टोर्ड है स्टार्च, जब जरूरत होगी तो उसका उपयोग होगा। बट केल्विन साइकिल में हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो गोल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना और एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन जरूरी चीज है यहाँ। अब इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डायरेक्ट स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप, और हमें इन स्टेप्स के माध्यम से चीजों को समझना पड़ता है। केल्विन साइकिल को, चूंकि इसमें राइबुलोज बाइफॉस्फेट बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है 5 कार्बन का, इसलिए इसको लोग रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं, अर्थात RPPC, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा हमें। अब इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्टेप्स होते हैं, केल्विन साइकिल को 3 स्टेप्स में बांटा जाता है। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना होता है, उसे बोलते हैं हम लोग कार्बोक्साइलेशन, कार्बोक्साइलेशन। इसका अल्टीमेट काम क्या है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ कर उसको सिस्टम में लाना। स्टेप 2 जो है ग्लाइकोलिसिस का उल्टा स्टेप होता है, इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं कि 3PGA2 ग्लूकोज, चूंकि साइकिल है तो जहां से शुरू किए थे वहां पर खत्म भी करना है, तो तीसरा स्टेप जो होता है रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन ऑफ RUBP, Ribulose 1,5-bisphosphate, ठीक है, ये हमें वापस लौटाना है। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप इसी में समाहित है, तो भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, कैसे ये स्टेप्स डिस्कस होंगे। अगर एक ब्रीफ साइकिल बनाते हैं, अगर एक साइकिल बनाते हैं, तो Ribulose 1,5-bisphosphate जिसमें कुल मिलाकर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, हम यहां नहीं लिखेंगे भाई, ऐसे लिख देंगे C5, ठीक है। और ये जो है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसलिए यहां पर जो एंजाइम था उसका नाम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज। आगे इसकी चर्चा होगी, रूबिस्को की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये तो RUBP कार्बोक्सिलेज ही से शॉर्ट फॉर्म में रूबिस्को भी कहते हैं, लेकिन अभी ऐसे क्रिस्प। अब 5 कार्बन यहां है, 1 कार्बन यहां है, कुल मिला के 6 कार्बन। ठीक है, साथ में उसको वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए, HOH। इस प्रक्रिया का रिजल्ट क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ये बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये बनाता है। तो एकदम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, PGA में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। इसका मतलब हो गया कि 3 दूनी 6, 2 × 3 = 6। तो 6 कार्बन आ गया, 5 कार्बन RUBP से, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, अब अगला स्टेप जो होता है, ये जो है वो स्टेप 1 है, इसको हाईलाइट कर दें। स्टेप 1 जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस करता है। अब इसका रिडक्शन होगा तो बनेगा 3-PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लाइकोलिसिस का उल्टा प्रोसेस ये पूरा चल रहा है। इस प्रक्रिया में इसको क्या क्या चाहिए? NADPH चाहिए और इसको ATP चाहिए। ठीक है, ये दोनों चाहिए। अब ये जो 3-PGAL है, इस 3-PGAL से 2 ही मॉलिक्यूल होगा, 1 मॉलिक्यूल जो है वो होगा क्या, तो वो फर्दर ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया में इंटर करेगा। ठीक है, लेकिन 1 कार्बन से तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ स्टेप्स है। और अब जो ये जो है ये रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस किया स्टेप, तो हम स्टेप का भी नाम लिख देते हैं। ये जो हो गया वो स्टेप 2 हो गया, जो ग्लाइकोलिसिस का उल्टा है। और ये जो अब प्रक्रिया देख रहे हैं, यहां से जो 1 PGAL है, तो 1 PGAL यहां खर्च हो गया, और 1 PGAL जो है मतलब 3 PGAL 1 मॉलिक्यूल जो है उस मॉलिक्यूल से वापस जनरेट हो गया RUBP। अब इसमें कितना कार्बन है? C3। 3 कार्बन से 5 कार्बन का प्रोडक्शन। जब भी ये स्टेप 3 हो गया, जब भी इस इक्वेशन को देखते हैं तो एक साइकिल में तो हमें समझ में नहीं आता है कैसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ यहाँ 5 कार्बन है। ठीक, एक साइकिल है, इस साइकिल, बट ये साइकिल कुल मिला के कितने बार चलाना पड़ता है? 6 बार। जब 6 बार ये साइकिल चलेगा तब जाके ये पूरा इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस होता है। कैसे ये साइकिल चलता है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।